एक छोटी लड़की दादा पोती के प्यार भरे रिश्ते पर लिखी गई कविता विश्व की सबसे लंबी कविता के तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हो गई है। एक माह की पोती के दिल में दो छेद थे। दादा आलोक शर्मा ने उस पर लिखी है 7456 पंक्तियों पर आधारित कविता। इस कृति का लोकार्पण किया गया। 200 दादा दादी अपने पोते पोतियों संग इस मौके पर आए। कहावत है कि मोल से ज्यादा ब्यास प्यारा होता है, इसलिए दादा दादी और नाना नानी बेटे बेटियों से ज्यादा प्यार अपने नाती पोतों को करते हैं। इसकी ताजा मिसाल है लेखक आलोक शर्मा और उनकी पोती अक्षिता। दोनों का निश्चल प्रेम इतना गहरा है कि शर्मा जी ने अपनी पोती के लिए 7456 लाइनों की अनूठी कविता एक छोटी लड़की रच दी है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक लंदन द्वारा विश्व की सबसे लंबी कविता के विश्व कीर्तिमान के रूप में मान्यता दी गई है। इसका सर्टिफिकेट संस्था के अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने रविवार शाम लोकार्पण में लेखक आलोक शर्मा को दिया। छोटी लड़की मुस्कुराई, फिर ईश्वर से बोली, आप करता संपूर्ण विश्व के प्रणाम मेरा स्वीकार करे, यदि रुष्ट नहीं मेरी जिद से तो मस्तक पर मेरे प्यार करे। ईश्वर ने भाव विभल होकर छोटी लड़की के माथे पर प्यार किया और तक्षण ही नीलगगन में खो गए। ये एक छोटी लड़की कविता की पंक्तियां हैं। कहानी, कविता, उपन्यास की 18 किताबें लिख चुके वरिष्ठ साहित्यकार आलोक शर्मा ने बताया कि मेरी पोती अक्षिता जब एक माह की थी तब डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिल में दो छेद है और इसके बचने की संभावनाएं कम है। परिवार का हर सदस्य गहरे दुख में था, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने बेहतर इलाज और ऑपरेशन के कारण वो ठीक हो गई। अब 9 साल की हो चुकी है। उसे गोदी में खिलाते, डगमग डगमग पांव लेते और फिर दो पैरों पर चलते चलते दौड़ते और उसके साथ खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख था। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं अभिव्यक्त करना चाहता था। इस कविता में कहने के लिए मुझे 8 साल का इंतजार करना पड़ा। मैंने ये कविता 1 वर्ष में लिखी और मेरे मन में भावों का इतना अथाह समुद्र था कि कविता 7556 पंक्तियों की हो गई। कवि हृदय दादा आलोक शर्मा ने पोती अक्षिता के लिए कविता लिखी और ईश्वरीय वरदान हुआ। अब वही छोटी लड़की 9 साल की है और एक निजी स्कूल में क्लास 3 की स्टूडेंट है और टेनिस खेलती है। ये कविता पोती के बहाने दुनिया की तमाम पोतियों के लिए एक दादा की ओर से शुभकामना गीत है। पापा के लिए कुछ बोलो। है, आपको अच्छा लगता है? आपको बहुत प्यार करते हैं? हर्षिता, वाह, आपके लिए पोएम लिखी उन्होंने इतनी बड़ी। युवराज, पढ़ाई करती हो? बाबा के लिए क्या करते हो? खेलती हो बाबा के साथ? क्या खेलती हो? चेस। आपको आता है चेस खेलना? दिव्यांश, बाबा को हरा भी देती हो क्या? भावेश, ये बेटा स्वाभाविक है, जब आप बाबा बनोगे और मोहब्बत में होंगे पोती के तो अपने आप समझ जाओगे, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। वेदना नहीं था, ये संघर्ष था बेटा। अच्छा, और प्रेम जब संघर्ष करता है तो कामयाब हो जाता है। कैसा भी बड़ा संघर्ष, उसमें प्रेम जीतता है। मैं तो लेखक हूँ और जब प्रेम शामिल हो जाता है लेखन में तो 7456 क्या, वो तो 7 लाख पंक्तियाँ भी हो सकती हैं। अच्छा, हाँ नहीं लिखी बेटा, ये तो मैं 3 महीने में 4 महीने में कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, तब मैं शुरू शुरू थोड़ा बनता जा रहा था, लेकिन 3-4 महीने पूरी।